हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो हम स्टार्ट करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी के एग्जाम से। एसएससी जीडी का एग्जाम 29 फरवरी को हुआ था, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक, मतलब सेकंड शिफ्ट का एग्जाम। और इस शिफ्ट में हम जो सोल्व करने वाले हो आपके मैथ के क्वेश्चन देखे हैं, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला कि मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाइन का रेशियो जो दे रखा है 7:19। तो ये वाटर है और ये वाइन है, ठीक है। बोला कि अगर 12 लीटर ज्यादा है वाइन वाटर से, तो वाटर से यहाँ पर अपना रेशियो के अकॉर्डिंग गैप कितना है, 12 है। तो बोला कि 12 की वैल्यू इन्होंने 12 दे दी, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ वाइन पूछा है, तो कितने से इधर मल्टीप्लाई किया होगा, 19, वन, ठीक है। तो वाइन की क्वांटिटी पूछे, तो वाइन की 19 है ना, तो 19 है रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 19 एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि डी जो है 10% काम करता है 3 दिन में, डी कंप्लीट करेगा कितने दिन में। तो 10% करेगा, तो 10% को हम 100% बनाते हैं, तो 10 से 100% बनाओगे तो कितना से मल्टीप्लाई कर, 10, ठीक है। तो इसका मतलब इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा 30, ठीक है। कितने आसान क्वेश्चन थे, दोनों अच्छे से सोल्व हो गए। बोला कि डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट दिया, तो एसपी जो होगा इतना होगा, तो एमपी निकालना है, ओके। तो 25 का डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 25 आपने डिस्काउंट कर दिया, तो आपके आपने कितने दिए, 75। तो इसकी वैल्यू, 75 की वैल्यू आपके पास ये गिवन दे रखी है, ठीक है। तो एमपी जो होता है वो टोटल कितना होता है, 100%, ठीक है। तो ये तो 75% है, तो 100% की वैल्यू आपको चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, तो 7, 7, 7, 49 हो गया, और 7, 5, और लास्ट में 0 है ना, तो 5 पे नहीं जाएगा, तो लगभग 4 पे जाएगा, ठीक है। 7, 7, 49, ओके, ये तो सोल्व हो गया। तो 5 से 5, 2 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, देखते हैं। 2 भी दे रखा, 4 भी दे रखा, तो भैया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपने। तो 150, 300, हाँ ठीक है, तो 4 पे जाएगा भाई, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 74 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी आप 74 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7400, ठीक है। कुछ करना ही नहीं क्वेश्चनों में आपने, मुझे क्वेश्चन है सारे। बोला कि 60 स्टूडेंट का ग्रुप है, 50% इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, रेस्ट और जो कि जियोग्राफी में है। तो 50% अगर आपका हिस्ट्री है, तो 50% किस में होंगे, जियोग्राफी में होंगे, ओके। 60 स्टूडेंट है, तो 30 इधर हो जाएंगे, 30 इधर हो जाएंगे, आप दादा, ठीक है। एवरेज स्कोर इन हिस्ट्री इज 85, हिस्ट्री का एवरेज स्कोर जो है 85 है, ओके। एवरेज स्कोर ऑफ जियोग्राफी 75 है, तो एवरेज स्कोर ऑफ एंटायर ग्रुप कितना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो मैं इधर से क्या करता हूँ, एवरेज की बात करता हूँ, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जितनी भी क्वांटिटी में उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मतलब है सिर्फ एक क्वांटिटी से। इधर हिस्ट्री की एक क्वांटिटी कितने की है, 85 की। जियोग्राफी की एक क्वांटिटी कितनी है, 75 की, ठीक है, हिस्ट्री जियोग्राफी। अब यहाँ पर दो दो हो गए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गए, दो हो गए, ठीक है, राइट। लेकिन मुझे तो एंटायर चाहिए, तो एंटायर कितना है, यहाँ पर दो है, तो कंप्लीट चाहिए, कंप्लीट का एक उठा दो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, तो कंप्लीट का दो हो जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए एक। तो एक चाहिए, तो क्या होगा, इन दोनों का प्लस करिए, इन दोनों का प्लस करिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ठीक है। या फिर दो क्वांटिटी का टोटल को कितना हो गया, दोनों का प्लस, वो एक काम कर रहा हूं मैं, वो एक पर काम कर रहा हूं, तो प्लस कर दिया। और एक क्वांटिटी का चाहिए, तो डिवाइड बाय जितनी क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से आज 85 और 75 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर दे देगा 80, ठीक है। जितना सिंपल हो सके ना उतना सिंपल बनाओ, कैलकुलेशन में टाइम खराब मत करो अपने। 3 स्टूडेंट है, P1 जो है 62.5 कम लाता है P2 से, 70 जो एंड P1 जो है 70 ज्यादा लेता है P3 से, ओके। चलो देखते हैं, पहले तो P1 P2 और P3 को रेशियो बना दो। तो बोला कि P1 जो है 62.5 कम ले रहा है P2 से, तो P2 से कम ले रहा है, तो P2 को अगर 100 बनाओगे तो 62.5 कम करिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 62 गए तो आपको कितना हो जाएगा, 38, तो 37.5 हो जाएगा इधर, ठीक है, 37.5 हो जाएगा, राइट। और P3, अब बोला कि P3 से 70% ज्यादा है P1, तो P3 से 70% ज्यादा है, तो 70% ज्यादा करिए, 170 हो गया,
तो भाई चलो मैं एक बार इसको सिंपल बना लेता हूँ। तो 62.5 का फ्रैक्शन कर लो, ठीक है, या आप 37.5 का फ्रैक्शन कर लो। तो इनको हम फ्रैक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप देखिए 62.5 क्या हो सकता है। तो भाई 62.5 का फ्रैक्शन होता है 5/8, ठीक है, और 70% का फ्रैक्शन होता है आपका 7/10। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन जाता है अपना। तो अगर P2 अगर 8 नंबर ले रहा है तो P1 5 कम ले रहा है 8 से, तो इसका मतलब कितना लेगा, 3 लेगा, ठीक है, ओके। और P3 से 70% ज्यादा है तो इसका मतलब अगर P3 10 लेगा तो 70% ज्यादा, तो इसका मतलब कितना लेगा, 17 लेगा, 7 ज्यादा लेगा, ठीक है। तो बस P1 को कंप्लीट करिए, बनाइए पूरा अच्छे से। तो P1 तो यहाँ से हो गया 51, ठीक है, 17 51, तो ऊपर 17 से मल्टीप्लाई किया तो 17 आपका कितना हो जाएगा, 8 7 56 और 136 हो जाएगा, और नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो इधर 3 से करिए तो आपका 30 हो गया। अब क्या बोला कि P2 अगर 8 1 8 1 6 नंबर ले रहा, 8 क्या कर रहा हूँ भाई, 8 1 6 0, ठीक है, इतना नंबर ले रहा, तो P3 की वैल्यू आपने बतानी है 30 की वैल्यू। तो आप देखिए 136 को 816 बनाइए, 136 गुना कितना हो जाएगा भैया आपका, लगभग 6 पर चला जाएगा, 6 6 7, हाँ 6 पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए, ठीक है। तो इधर भी मल्टीप्लाई 60 करिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1800, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी, बोला कि एक्स जो है कितने परसेंट ज्यादा है वाई से। तो भाई देखो एक्स कितना परसेंट है वाई से, तो आप देखिए 25, एक्स कितना ज्यादा है वाई से, 25, 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है किससे, तो अच्छा किससे, वाई से, तो डिवाइड बाय 25 करिए, गुना में 100 कर दीजिए, 25 से 25 कट गया, एक बचा, तो 100 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ निकालना है, तो वैल्यू निकालिए 5 से पहले कट करिए, 5 8 40, 5 3 8 से कट करिए, 2 से पहले, 2 1 2 2 4 से कट करिए, आपका 11, तो ये आपका 83 - 11 + 53, सोल्व कर दीजिए इसको। तो यहां से आपका 83 - 11 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 7 + 53 ऐड करोगे तो 125 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एक सम है 600 रुपए का जो 2 लोगों में बांटा गया, तो एक को 5% पर एनम से, दूसरे को 13% पर एनम से, यदि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के बाद 62 रुपये है, ओके, तो सम कितने कितना कितना बांटा गया होगा 600 रुपये को, किस तरह डिवाइड किया होगा। तो देखिए, तो 1 साल का है ना, तो यहाँ पर 5% है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 13%। तो भाई हम क्या करेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे 5 और 13 से, ठीक है। तो 5% से और 13% से हमें अलग अलग ब्याज निकालना है, चलो निकालिए। तो इसका 5% निकालोगे तो इसका 5% कितना होता है, आप देख लीजिए कितना होता है, 25 5 125, 12.5 होता है, ठीक, इसका 5% 12.5 होता है। इसका 13% निकाल लीजिए, तो ये तो नहीं बनेगा भाई, बहुत ज्यादा जाने वाला है, क्योंकि 12.5 आ गए तो हमें कम से कम भी कितना चाहिए, यहाँ पर 40 चाहिए, ठीक है, 50 चाहिए, ठीक है। तो 13 13 2 2 पे जाएगा, तो 1 और 2 3 होता है, नहीं बनेगी बात यहाँ पर। तो ये 100 का 5% कितना होता है, 5 होता है, 500 का 13% कितना होता है, 65 होता है, तो ये भी बहुत ज्यादा चला गया, हमें नहीं चाहिए ब्याज भी। तो 150 का 5% कितना होता है, 7.5 होता है, 450 का 13% करिए, 13 5 45, 13 5 65, 13 1 13 और 6 195, तो 19.5, क्या देखो बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। और 5 200 का 5% कितना होता है, 10 होता है, 400 का 13% कर लीजिए, 13 गुना 4 52, तो दोनों को ऐड करिए 62, तो ये तो 62 ही तो है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लीजिए, नहीं अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करना तो आप फॉर्मूला यूज करिए सिंपल इंटरेस्ट पहले का। तो पहले को अगर आपने 600 में, पहले को अगर आपने 1 रुपए दिए, 1 गुना रेट इंटू टाइम, आप सोल्व करिए, टाइम आपका 1 साल का, डिवाइड बाय 100, इस SI को इससे प्लस करना 600 - 1,
600 माइनस एक्स क्या है, अगर उसको एक्स रुपए लिए तो दूसरे को आप 600 में से कुछ एक्स माइनस करके दोगे ना इंटू में टाइम डिवाइड बाई, ये सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इज इक्वल टू 62। तो एक्स की वैल्यू निकालिए, फिर एक्स 600 माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 200 सोल्व करते हैं तो 200 आपको ये 4200 हो जाएगा, माइनस 2100 प्लस में 15 × 8 करोगे तो 120 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस होगा तो 2100 आ जाएगा, प्लस 120 करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2220 ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन फ्रेंड है जो कि पजल खेल रहे हैं, कर रहे हैं कंप्लीट 4 घंटे में। तीन फ्रेंड जो है 4 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, ये इनवाइट कर लेते हैं दो लोगों को, मतलब 3 से 5 हो गए ठीक है। हाउ मेनी लॉन्ग, अब कितनी देर में पजल कंप्लीट होगा, तो 4 घंटे, यहाँ देखो 144 मिनट है, तो 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करिए, 4 × 6 240 मिनट में। तो अगर तीन लोग 240 मिनट में सोल्व कर रहे हैं तो 5 आदमी कितनी देर में सोल्व करेंगे, ये आपने निकालना है। तो कितनी देर में सोल्व करेंगे, तो 240, तो एक आदमी कितनी देर में सोल्व करेगा, तो एक आदमी और ज्यादा टाइम लेगा, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 आदमी कितनी देर में सोल्व करेगा, तो ये आपका डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। 5 से कर सोल्व करें, 5 × 20 5 8 तो 48 × 3 आपका कितना होता है, 144 आपका राइट आंसर दे देगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि एवरेज हाइट ऑफ, इन तीनों की एवरेज हाइट इतनी है, एवरेज हाइट ऑफ दोनों की इतनी है, एवरेज हाइट ऑफ एक्स एंड वाई की इतनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालो, क्योंकि यहाँ पर एक्स फालतू दे रखा है, जो फालतू दे रखा है उसको निकालो पहले तो ठीक है। तो वही निकालते हैं, तो 185, अगर मैं सभी के 185 185 185 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं राइट। तो यहाँ पर 153 है, तो इसको 185 कंप्लीट करना है, तो क्या कराओगा क्या कराओगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक करिए कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 और ये आपका 3 हो जाएगा, तो 32 एक्स्ट्रा है इधर, और इधर एक्स की वैल्यू 152 है, तो 152 को 185 आप बनाओगे, तो 185 अगर आप बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट भाई, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 33, तो इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 65। 65 नहीं आंसर, चलो भाई अपना सोल्व करके देखते हैं और दूसरे तरीके से, चलो देखो भाई, तो यहाँ पर 185 को था 3 है, तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो भाई कहीं ना कहीं मुझसे शायद छोटी गलती हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, स्किप हो गया माइंड से, बाद में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 185 × 3 करो, 3 × 5 = 15 होता है, 3 × 18 = 54, 54 और 1 = 55 होता है, तो 185 का 3 मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है। इसको माइनस कराना है किसमें, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई 153 × 2 करिए, टोटल क्वांटिटी आ जाएगी 6 और 23 ठीक है। इधर 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस में 2 × 2 = 4 और 30, 304, तो दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, 10 और 3 3 6, तो सोल्व कर दीजिए इसको कितना आंसर आया, 55 आपका राइट आंसर दे देगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर एक ट्रेन 6/7 की अपनी ओरिजिनल स्पीड से 6/7 चल रही है, तो वे 20 मिनट लेट पहुंचती है, यूजुअल टाइम लेगी, फाइंड आउट यूजुअल टाइम टेकन बाय ट्रेन, यूजुअल टाइम चाहिए तो मतलब पूरी स्पीड उसने मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो चलो देखते हैं। स्पीड की बात की गई है, टोटल पहले ओरिजिनल 7 थी, 7 में से 6 पे वो चली है, तो ये ओरिजिनल है ये न्यू है। तो टाइम देखो, डिस्टेंस तो बराबर होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, डिस्टेंस जब बराबर होगा तो हमें स्पीड और टाइम का रेसिप्रोकल चाहिए, तो इसका मतलब रेसिप्रोकल 6 इधर आ जाएगा 7 इधर आ जाएगा ओरिजिनल टाइम, तो ये ओरिजिनल था। देखो लेट हो गई तो 1 मिनट लेट हो गई ना, तो 1 मिनट लेट हो गई, तो यहाँ पर 1 मिनट लेट हुई है, तो 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पर 20 मिनट के बराबर है, कितने से मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई किया। यूजुअल टाइम चाहिए, यूजुअल टाइम अपना ये है 6, तो 6 का मल्टीपल 20 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 120 ठीक है। कितना आंसर, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का रेशियो ये है, अगर एच नंबर इंक्रीज कर दिया 4 से, रेशियो इतना हो जाता है, 7 और 8 का नया पुराना रेशियो अब 9 और 10 का हो गया, तो अब बोला कि दोनों नंबर को 4 4 इंक्रीज किया, तो रेशियो के अकॉर्डिंग कितना इंक्रीज हुआ, 2, इधर भी 2, मतलब सेम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है,
सेम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये दो की वैल्यू कितनी है, चार, कितने से मल्टीप्लाई किए, दो, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स, दोनों में नंबर डिस्टेंस, सॉरी डिफरेंस पूछा, तो दोनों का डिफरेंस आप देखिए एक है, तो एक को दो से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सौरभ परचेज करता है एक रिंग 26% लेस पर मार्क प्राइस से, ठीक है, सोल्ड करता है 10% ज्यादा मार्क प्राइस से, ठीक है, ये लो। परचेज तो मार्क प्राइस से इतना कम करता है, सोल्ड करता है मार्क प्राइस से इतना, ठीक। तो फाइंड द अप्रोक्स प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना, तो आप, ये आपका सीपी, ये आपका एमपी, ये आपका एसपी। तो एमपी आपका क्या, मार्क प्राइस, सीपी क्या, परचेजिंग पॉइंट, एसपी क्या, सोल्ड पॉइंट प्राइस। तो 26% लेस में क्या, तो एमपी से, एमपी 26% लेस, तो 26/100, और शॉर्टकट बना दो तो 13/50, ठीक है। अगर एमपी 50 है तो 13 कम कर दो, 13 कम करोगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है। तो 10% और बेचता है 10% ज्यादा मार्क प्राइस से, तो 1/10, तो 10 को मैं क्या करता हूँ, नीचे 50 कर लेता हूँ, तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये आपका 50 है तो ऊपर 5, तो एसपी क्या होगा, 5 ज्यादा कर दिया, 55 कर दिया। तो एमपी तो सेम है, यहाँ पर एमपी सेम है, तो ये आपका 37 हो गया, आपका 55 हो गया। प्रॉफिट पूछा, तो प्रॉफिट आपका हमेशा इन दोनों में होता है, 37 और 55 में डिफरेंस चेक करिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा भाई, 15 में से 7 गए 8, और 4 में से 3 गए 18, 18 का डिफरेंस है, तो 18/37 करिए, गुना में 100 करती, तो 18 का डबल है, तो इसका मतलब आधा परसेंटेज जाएगा, तो आधे सारे आधे से नीचे हैं, तो हमें सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो भाई इसको सोल्व करिए, कंप्लीट सोल्व चाहिए मुझे तो, ये 37 से डिवाइड, तो 3 से आपका लगभग कितने हो जाएगा, 37 है, मतलब 40, 40 मान के चले, तो 4 चौक 16, 35 करो, 35 से 35 चौक 140, 35 5 175, और 2 5 10, तो 185, तो 35 चौक चाहिए, ठीक है, 4.5 का, तो इसका मतलब हमें कहीं ना, देखो 4 का मल्टीपल है, तो 4 तो आप एज इट इज रख सकते हो, आगे देखो तो 4 रख दिया, तो कितना चला गया, 7 7, आपका कितना हो गया, 185, तो 185, तीन सौ बीस बचा हुआ, 320 कितने बजाएगा, 37 गुना 9 तो जाएगा नहीं, 8 जाएगा, तो 48 समथिंग आएगा, तो 48 आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बाकी सारे डिलीट करो, बाकी अच्छे से कैलकुलेट करने के लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल है 2000 रुपये में, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट 9% है, 2 टाइम 2 साल का क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट पूछा है, ठीक है इन्होंने, तो अमाउंट निकालो, दो, तो रेट और टाइम को हम क्या करते हैं, स्क्वेयर कर लेते हैं, रेट का स्क्वेयर कर लेते हैं, 2 साल का है तो डबल हो जाएगा, 9% बोल रहा है, तो 9% कितना हो जाएगा, 9/10, 9/100, राइट, तो भाई इसका स्क्वेयर करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है ये भी, तो हम क्या करते हैं, 100, पहले 100 था अब 109 हो गया, पहले 100 था अब 109 हो गया, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी, मल्टीप्लाई करो, 10,000 आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करो, वे 109 का स्क्वेयर आप निकालोगे तो खुद मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11,881, ठीक है, राइट, ओके। तो ये थोड़ा लॉजिक है, तो लॉजिक आप अच्छे से सोल्व करो, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो अपने पास क्या है, 20,000 जो है इसकी, ये आपका प्रिंसिपल उधर होता है, इधर अमाउंट होता है, तो इसकी वैल्यू आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 20,000, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई कर, 2 से, तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, 81/62 होता है, 6 2 ये आपका 8 2 16 और 22 और 1 23, 23,762 आपको राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी जगह, ओके, तो पहले इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, बाद में डिवाइड करके देखो, तो 98/56 गुना नीचे कितना आ जाएगा, 7 और 5 35 हो जाएगा, 65/5 आप करोगे तो 60 गुना 5 अगर आप करोगे तो
कितना हो जाएगा? 300, और 300 प्लस 5, 315, ठीक है, प्लस में 7 गुना 5, 35, 7 5 35, 7 21, और 21 और 3 24, ठीक है, डिवाइड बाय 7/49, तो 7 से कट करो 35, 7 से कट करिए, 7 से कट करो 7 5, 7 से कट करिए, 7 × 7 और 7 × 28, 14 से कट करिए, 14 × 14, 14 चौक, ये लो भाई, तो ऊपर कितना बचेगा? तो 315 और 445, तो ये आपका 250, 250 प्लस 300 और 500, 550, 560, 560 पे 4 से डिवाइड, गुना में 49/7, 7 से कट करो 7 पर, तो 4 से कट करो 140, गलत कर दिया, कहीं ना कहीं फिर गलत कर दिया भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गए लास्ट में, बहुत ज्यादा क्या बात है, तो 5 3 15, 5 6 30, ठीक है, तो 5 5 0, अरे नीचे 5 भी तो है ना, तो 5 5 0 और 2 4 6 और 5, ठीक तो था अपना, डिवाइड बाई 5 गुना में 49/7, 7 से कट करो 7 पर, सही है, गलत कर दिया था, 5 × 5 और 12, 112 गुना 7 करोगे तो 196 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक था, थोड़ा गलत कर दिया। ये आंसर तो गलत है, 196 नहीं आएगा, ये तो आपको 187 बना रहा है, तो क्या गलती, अरे यहाँ पर 4 से भी कट गया था, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से और कट करो, 4 × 2 8, 4 8 32, तो 28 × 7 करो, अब आ जाएगा आपके 196, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 60% एमपी के 60% है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट 4% का दिया गया एमपी पर, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका एसपी हो जाएगा, ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एमपी हो जाएगा, बोला कि एमपी का 60% कौन है, सीपी है, तो 60% क्या है, 6/10, अगर आपका एमपी 10 है तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, जो लिंक अपने पास दिया गया वो ढूंढो बस, ज्यादा ढूंढना ही नहीं, 4% का डिस्काउंट है, तो मतलब 1/25, ठीक है, अगर आपका एमपी 25 है तो आपका ये एसपी कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है, तो 10 को हम 25 बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, करिए, तो 5 10 गुना 5 50 होता है, 25 गुना 2 50 होता है, तो इधर तो मेरा 50 आ गया, तो ऊपर 5 से किया, तो इधर 5 से सीपी कितना है, 23, एसपी 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना है, 48, ठीक है, क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज, देखो प्रॉफिट क्या होता है इन दोनों में होता है, तो कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, 18 प्रॉफिट है, 18 प्रॉफिट कितना पे, 30 पे, गुना में 100 कर लीजिए, चुपचाप आपका आंसर आ जाएगा 6 60, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये है, तो बेस ऑफ ट्रायंगल अगर 3/5 ऑफ हाइट है दे रखा है, ओके, इसके बेस से वेट, बेस जो हाइट का ये दे रखा है, और व्हाट विल द हाइट क्या होगी, तो हाइट को हम एच मान लेंगे, और बेस जो होगा वो आपका कितना होगा, 3/5 ऑफ एच हो जाएगा, बस सॉल्व कर दो, तो 1470 होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना, 3/5 गुना एच, हाइट कितनी है एच, तो बस सॉल्व करना आपने, 3 से सॉल्व करिए, 3 × 2 3 × 2 सॉरी 3 × 12, 3 × 12, ठीक है, और 3 × 2 27, ठीक है, ये आ गया 490, ओके, ये नीचे 10 है, राइट, तो एच का स्क्वायर इधर है, तो 10 को उधर पहुंचा तो 49 00 हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, और 00 का 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिस्ट नंबर है जो कि डिवाइड करना है, रिमाइंडर हर बार 14 देना चाहिए, तो आप एक काम करिए, 14 सब में से 14 इनमें से माइनस करके देख लीजिए, और फिर आप देखिए कौन सा डिवाइड हो रहा है, तो -14 करो इधर से, रिमाइंडर अगर आएगा तो 14 माइनस तो करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट डिवाइड करे, तो 14 माइनस करोगे तो यहां से आपका 14 4 और 1 हो जाएगा, 14 माइनस करिए, 12 3 और 1 हो जाएगा, 14 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 14 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 1230 हो जाएगा, तो अब देखिए आप 80
ये तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 0 आना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो अपने ऐसे एलिमिनेट हो गए बिना कुछ किए, राइट। ओके, अब ये 3 गुना 5 है, ये आपका कितना हो जाएगा, 25 गुना 3, ठीक है, राइट। तो आप 25 से डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 25 से डिवाइड करिए, तो 25 आपका ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 30 है, ठीक है। तो लास्ट में या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा जब भी 25 से वो डिवाइड करेगा, तो ये आपका कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे। बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 440 है, प्रॉफिट अगर 18% है तो प्रॉफिट निकालना है। ओके, तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है, 18% की वैल्यू आपको चाहिए, तो ये 440 किसके परसेंट वैल्यू है, 100% की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से 100% होता है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 4.4 से मल्टीप्लाई किया हो, तो 18 को 4.4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1872, लास्ट में 2 आना चाहिए पॉइंट, 1872 और 7 कितना हो जाएगा, 19, ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूं मैं, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ आएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन अच्छे कैलकुलेटिव थे, कुछ बहुत इजी थे, मुझे थे, तो आप अच्छे सोल्व करिए अपने एग्जाम को। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।